रविवार का दिन था और हम लोग जो है, मैं और सैफी साहब बैठे हुए थे, वहाँ से लोग शोर मचाते हुए आए। एक मॉब, बहुत काफ़ी सारी भीड़ थी जो पहले से ही ऑलरेडी बाहर शोर मचा रही थी और पत्थर मार रही थी, और फिर उसके बाद जो है जो यहाँ पत्थर उन्होंने फेंके उसी पत्थर को उठा करके, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई इंतजाम था नहीं, उसके बाद ये पत्थर उठाए और वापस उन्हीं लोगों पे फेंके, और शोर मचाते हुए जब ये लोग गए तो वो लोग फिर वापस भाग गए और फिर उन्होंने वहीं पे शुरू कर दिया इस बलवे को करने का काम। इतवार को 4:30 बजे के करीब मैं घर पर मौजूद नहीं था, दंगाइयों ने उधर से आकर के मेरे मकान के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसके देख सकते हैं आप, उसके पत्थर सत्तर तोड़े, वो कहें शीशे वगैरह तोड़े ताड़े। जो दंगाई थे वो कुछ उधर के थे, कुछ इस साइड के थे, उन्होंने मिलकर के इसको अंजाम दिया, जो तोड़फोड़ हुई है मेन रोड के ऊपर, जो तोड़फोड़ हुई है। हमने जो है जी 20-20 आदमियों की, 20 मोमडन 20 हिंदुओं की कमेटी बनाई और हर गली में गली गली घूमे और लोगों को समझा कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अफवाह से दूर रहो। ये तय हुआ कि गली गली में घूम के सबसे मुलाकात की जाए, जो मस्जिद लोग हैं सारी गलियों में गए, और जो मेन रोड है ये विजय पार्क का, जो नूरेला जाता है, बल्कि नूरेलाई तक हम लोग गए थे वो मार्च लेके, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है तो वहाँ उनसे कहा जा रहा है अपना जो तुम्हारा गलियाँ हैं आप लोग संभालो, और जो दूसरी कम्युनिटी है उससे ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ की जिम्मेदारी जो